हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम का डिलाइट। सो अभी मैं बैठा हूँ जर्मन कॉम्पैक्ट सेडान में जो कि है Volkswagen Amio। तो चलिए करते हैं इसका कंप्लीट डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू विद ऑन रोड प्राइस, फीचर्स एंड मैं आपको बहुत सारी डिटेल्स इसमें बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर गाइज आप इस रिव्यू को बहुत ही ध्यान से देखें एंड टिल दी एंड तक देखें। एंड Volkswagen की जितनी भी लाइनअप की व्हीकल्स हैं उन सबका टेस्ट ड्राइव रिव्यू भी बहुत ही जल्दी दोस्तों पोस्ट होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर आप टीम का डिलाइट को सब्सक्राइब भी कर लें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें। सो ये है Volkswagen Amio के फुली लोडेड टॉप एंड मॉडल की फ्रंट लुक एंड इसकी एवरेज सेल है 750 यूनिट्स एंड इसके राइवल्स की सेल भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। Amio की टैगलाइन है थिंक प्राइड थिंक न्यू और इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है Volkswagen के चकन प्लांट में जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। ऑल्सो दोस्तों Amio एंड अदर कॉम्पैक्ट सेडान का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। Amio की ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm, टर्निंग रेडियस 4.97 मीटर्स एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी 45 लीटर्स। और यहाँ पे फ्रंट ग्रिल पे दी गई है क्रोम ट्रीटमेंट विच इज लुकिंग वेरी नाइस एंड दीज आर ब्लैक एंड फिनिश्ड नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प्स। साथ में यहाँ पे आपको फॉग लैम्प मिलते हैं विद कॉर्नरिंग लैम्प फंक्शन और लोअर बम्पर पे भी यहाँ पे क्रोम फिनिश एंड क्रोम डिटेलिंग दी गई है विच इज लुकिंग वेरी नाइस एंड अप मार्केट एज वेल। एंड गाइज यहाँ पे Volkswagen Amio पे ऑफर करती है 4 years 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी, 4 years रोड साइड असिस्टेंस, 3 year कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस, 6 year एंटी पेरफोरेशन यानी कि एंटी डस्ट वारंटी एंड 3 years पेंट वारंटी। एंड इसका सर्विस इंटरवल है 15,000 किलोमीटर्स और 1 year विच एवर इज अर्लियर। और दोस्तों Amio ऑफर करती है टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी। यहाँ पे गैल्वनाइज स्टील बॉडी यूज करी गई है, लेजर वेल्डेड आपको रूफ मिलती है, यूनिबॉडी स्ट्रक्चर मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट यहाँ पे शेल बनाया गया है विच कीप पैसेंजर्स इन सेफेस्ट ऑफ सेफेस्ट पोजीशन। एंड गाइज यहाँ पे बहुत ही एलिगेंट आपको मिल जाते हैं 16 इंचेस के मल्टी स्पोक ग्रे कलर अलॉय व्हील्स एंड दीज आर बेसिकली 195/55 प्रोफाइल टायर्स और ये सुपीरियर ग्रिप ऑफर करते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे साइड्स पे आपको मिलती है बॉडी साइड मोल्डिंग इन क्रोम एंड विंग मिरर्स पे टर्न इंडिकेटर्स अवेलेबल है और यहाँ पे डोर हैंडल्स पे भी इवन क्रोम फिनिश एंड क्रोम डिटेलिंग मिलेगी एंड यहाँ पे वाटर ग्लास, साथ में माइक्रो रूफ एंटेना। एंड हम इसको जस्ट ऐसे पुश करेंगे तो यहाँ पे फ्यूल लिड ओपन हो जाता है एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी बेसिकली 45 लीटर्स की दी गई है। और रियर में बेसिकली यहाँ पे आपको स्पॉयलर भी मिल जाता है इंटीग्रेटेड विच इज़ लुकिंग वेरी स्पोर्टी एंड स्टाइलिश एज वेल। सो गाइज फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर करी गई है। एंड Amio के कुछ यूएसपी की बात करें तो वो है बिल्ड क्वालिटी, राइड एंड हैंडलिंग, ड्राइवेबिलिटी, रिफाइनमेंट एंड परफॉर्मेंस। एंड यहाँ पे सस्पेंशन सेटअप भी आपको टॉप क्लास मिलेगा, बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही कंपोजिट राइड क्वालिटी ऑफर करता है इवन ऑन द हायर स्पीड्स। एंड बात करें कलर ऑप्शन की तो यहाँ पे 6 कलर्स अवेलेबल हैं विच इज सनसेट रेड, रिफ्लेक्स सिल्वर, कैंडी वाइट, कार्बन स्टील, लैपिस ब्लू एंड टॉफी ब्राउन कलर। अभी आप देख रहे हैं सनसेट रेड कलर विच इज लुकिंग वेरी स्टनिंग। एंड यहाँ पे रियर बम्पर पे रिफ्लेक्टर्स अवेलेबल हैं, 4 सेंसर्स मिलेंगे एंड यहाँ पे TDI की बैजिंग, बहुत ही स्मार्टली डिजाइन टेल लैम्प भी ऑफर करे गए हैं। और यहाँ पे Amio की बैजिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रिक टेलगेट ओपनिंग मिलती है, यहाँ पे बटन को प्रेस करेंगे सिंपली तो टेलगेट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे की के ऊपर भी टेलगेट का स्विच दिया गया, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो भी यहाँ पे टेलगेट ओपन हो जाता है। एंड यहाँ पे वाइट लाइट दी गई है फॉर लाइसेंस प्लेट एंड अनकवर्ड अंदर से टेलगेट मिलता है। और टोटल बूट स्पेस दिया गया है दोस्तों 330 लीटर्स। यहाँ पे लगेज लैम्प अवेलेबल है एंड टेलगेट भी काफ़ी वेल शेप दिया गया है, लोडिंग लिप भी बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, इवन लोएस्ट आपको मिलता है इधर। एंड यहाँ पे टूल किट अवेलेबल है, साथ में स्पेयर टायर मिलेगा जो कि 175/70 14 इंचज़ का दिया गया है। एंड ये टेम्प्रेरी स्पेयर टायर है, नॉर्मल स्टील व्हील मिलता है, नॉट एन अलॉय। इसको भी क्लोज कर देते हैं। एंड दोस्तों Volkswagen Amio का कर वेट है 1027 kg से लेके 1184 kg। और बात करते हैं इस टॉप मॉडल के सेफ्टी फीचर्स के बारे में तो यहाँ पे ऑफर करे गए हैं डुअल फ्रंट एयर बैग, ABS, इलेक्ट्रॉनिक इंजन इमोबिलाइजर विद फ्लोटिंग कोड, सेंट्रल लॉकिंग, फॉग लैम्प विद स्टैटिक कॉर्नरिंग लाइट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम यानी कि ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, रियर डिफॉगर, ऑटो डिमिंग IRVM, रिवर्स पार्किंग कैमरा विद सेंसर्स, ऑटोमेटिक रेंज सेंसिंग वाइपर जो है फर्स्ट इन सेगमेंट, साथ में स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक। तो यहाँ पे ये सारे सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल हैं। सो गाइज, एमियो में 2 इंजन अवेलेबल है, 1 लीटर पेट्रोल विद ओनली मैनुअल गियर बॉक्स एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन विद मैनुअल एंड DSG गियर बॉक्स। एंड यहाँ पे टॉप एंड मॉडल में पेट्रोल मैनुअल एंड डीजल DSG गियर बॉक्स अवेलेबल है, यानी कि आपको सारे इंजन ऑप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑप्शन आपको टॉप एंड मॉडल में मिल जाते हैं। आप सबसे पहले बोनेट को ओपन कर लेते हैं। सो दोस्तों, फर्स्ट इंजन है 1 लीटर 3 सिलेंडर MPI पेट्रोल इंजन, और ये जनरेट करता है 75 bhp ऑफ पावर एंड 95 Nm ऑफ टॉर्क। यहाँ पे 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स अवेलेबल है और इसकी माइलेज है 19.44 kmpl। और सेकंड है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर TDI डीजल इंजन, एंड ये प्रोड्यूस करता है 109 bhp ऑफ पावर एंड मैसिव 250 Nm ऑफ टॉर्क। यहाँ पे 5-स्पीड मैनुअल एंड 7-स्पीड DSG गियर बॉक्स अवेलेबल है, एंड इसकी माइलेज है 21.66 kmpl फॉर मैनुअल एंड 21.73 kmpl फॉर ऑटोमेटिक। एंड गाइज, अब चेक करते हैं इंटीरियर्स, फिर बात करेंगे ऑन रोड प्राइस के बारे में। सो फर्स्टली यहाँ पे आपको कुछ ऐसी कीज़ मिलती है, दोनों ही फोल्ड कीज़ दी गई है विथ 3 स्विचेस। एंड अब गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। एंड गाइज, एमियो का इंटीरियर आपको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एंड बहुत ही मॉडर्न मिलता है। डुअल टोन इंटीरियर थीम दिया गया है, एंड यहाँ पे स्क्रैच रेजिस्टेंट डैशबोर्ड भी अवेलेबल है। सिल्वर फिनिश, पियानो ब्लैक फिनिश एंड क्रोम ट्रीटमेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, विच इज़ वेरी नाइस एंड वेरी अप मार्केट। और यहाँ पे फ्रंट फुटवेल एल्यूमिनेटेड दी गई है, यानी कि यहाँ पे आपको एक लैम्प मिलता है। यहाँ पे क्लच फुटरेस्ट भी अवेलेबल है। सो यहाँ पे कारपेटिंग बेज कलर की दी गई है। एंड गाइज, ये है बहुत ही अप मार्केट एंड प्रीमियम डेजर्ट बेज कलर फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री with very good pattern finish, और यहाँ पे height adjustment for the driver side seat, and carpeting बेज कलर की है, ऐसी आपको रूफ भी बेज कलर में ही मिलेगी। और ये है डुअल टोन फ्रंट डोर, बिग साइज विंडो एरिया मिलता है। एंड गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनसाइड डोर हैंडल मेटल फिनिश में। ORVM मिलते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल। पावर डोर लॉक स्विच भी यहाँ पे दिया गया है। एंड दोस्तों, यहाँ पे ऑल 4 पावर विंडोज आपको मिलती है ऑटो अप एंड डाउन विद एंटी पिंच, एंड ये फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है। सो इट इज़ अ वेरी कन्वीनियंट फीचर एज वेल। यहाँ पे स्पीकर्स, बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट ऑफर करे गए हैं। और ये है हेडलैम्प कंट्रोल, एंड दिस वन इज़ फॉर फॉग लैम्प। साथ में हेडलैम्प लेवलर भी अवेलेबल है। ऑल्सो इस मॉडल का ऑन रोड प्राइस आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड अब इसको भी क्लोज कर देते हैं। सो ये है लेदर रैप आर्मरेस्ट। यहाँ पे स्टोरेज एरिया भी अवेलेबल है, रिमूवेबल मैट भी मिलता है। अगर हम इसे यूज़ नहीं करना चाहते तो कुछ ऐसे ऐसे पीछे स्लाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ स्पेस। और ये है DSG गियर बॉक्स। एंड बेसिकली ये है रिवर्स पार्किंग कैमरा का डिस्प्ले। यहाँ पे गाइडलाइंस भी अवेलेबल है, साथ में इधर हम एक्सपोजर, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट अवेलेबल है, और इसका आगे ट्विन कप होल्डर एंड कुछ और स्टोरेज स्पेस। एंड यहाँ पे ऑटोमेटिक AC अवेलेबल है विद डस्ट एंड पॉलन फिल्टर, एंड सुपर स्मूथ यहाँ पे नॉब्स दी गई है। सॉफ्टेस्ट प्लास्टिक मटेरियल को ओवरऑल यहाँ पे यूज़ करा गया है, विच फील्स वेरी नाइस। एंड ये है ग्लब बॉक्स। सो यहाँ पे मैसिव साइज का ग्लब बॉक्स मिलता है विद एल्यूमिनेशन, एंड यहाँ पे कूल ग्लब बॉक्स दिया गया। बेसिकली कार्ड होल्डर एंड सनग्लास होल्डर भी अवेलेबल है। एंड ये को ड्राइवर साइड सनवाइजर, यहाँ पे वैनिटी मिरर दिया गया है। सेंटर में कैबिन लैम्प विथ थिएटर डिमिंग फंक्शन। और ये है ड्राइवर साइड सनवाइजर, यहाँ पे आपको टॉल रिसीट होल्डर मिल जाता है। और ये है एंटी ग्लेयर IRVM, इसके ठीक पीछे आपको सेंसर दिया गया है फॉर ऑटोमेटिक वाइपर्स। सो गाइज, ये है Volkswagen एमियो का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले, एंड टच इज सुपर रिस्पॉन्सिव। ये सपोर्ट करता है ब्लूटूथ, ऑक्स, USB, रेडियो एंड SD कार्ड को। यहाँ पे आपको सिस्टम का सेटअप मिल जाता है, साथ में एंड्रॉयड ऑटो, Apple CarPlay एंड मिरर लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल है। टोटल यहाँ पे 4 स्पीकर्स ऑफर करे गए हैं। एंड यहाँ पे कुछ सेटिंग मिल जाती है आपको सिस्टम की। एंड ये है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और ECS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। साथ में दिस इज डिफॉगर एंड गाइज ये है फ्लैट बॉटम लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील विद पियानो ब्लैक फिनिश एंड क्रोम इंसर्ट्स। लेफ्ट साइड ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं, राइट साइड MIDI कंट्रोल एंड वॉइस कमांड कंट्रोल्स ऑफर करे गए हैं एंड गाइज यहाँ पे एडजस्टमेंट भी अवेलेबल है। सो यहाँ पे टिल्ट एडजस्टमेंट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट दोनों ही दी गई है विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। एंड लेफ्ट साइड यहाँ पे अवेलेबल है इंडिकेटर कंट्रोल्स एंड क्रूज कंट्रोल्स एंड दीज आर वाइपर कंट्रोल्स एंड गाइज इधर आपको यहाँ पे ऊपर क्रूज कंट्रोल मिलेंगे। सो ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंटर में MIDI स्क्रीन शो करेगी ट्रैवलिंग टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिजिटल स्पीड, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, स्पीड वार्निंग, डिस्टेंस टू एम्प्टी, सर्विस इंटरवल, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, कूलेंट टेम्परेचर, डिजिटल क्लॉक, साथ में गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलेगा मैनुअल के लिए एंड गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको मिलेगा ऑटोमेटिक के लिए। सो यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। एंड अब चेक करते हैं रियर सीट्स एंड फिट एंड फिनिश क्वालिटी भी दोस्तों Volkswagen की व्हीकल्स में आपको एक्सेलेंट मिलती है, नो डाउट। सो ये है रियर डोर की लुक, डुअल टोन कलर में डोर मिलता है एंड यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक्स, साथ में पावर विंडो कंट्रोल्स एंड यहाँ पे भी आपको ऑटो अप एंड डाउन मिलेगा विद एंटी पिंच एंड ग्लास इससे नीचे नहीं जाएगा, दिस इज़ द मैक्सिमम लिमिट। और यहाँ पे स्पीकर अवेलेबल है, साथ में मैप पॉकेट। और ये है रियर सीट्स की लुक, यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर करी गई है बट यहाँ पे सेंटर में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलती। एंड यहाँ पे सेंटर में रियर AC वेंट अवेलेबल है, इसी के साथ 12 वोल्ट का पावर सॉकेट एंड एक यहाँ पे आपको मिलेगा बॉटल होल्डर। और फ्रंट सीट्स के बैक में यहाँ पे पॉकेट अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड अवेलेबल है ग्रैब हैंडल विद कोट हुक, साथ में क्वार्टर ग्लास एंड दिस इज ग्रॉसरी हुक एंड सेम गोज विद राइट साइड, यहाँ पे भी ग्रॉसरी हुक, ग्रैब हैंडल विद कोट हुक एंड क्वार्टर ग्लास ऑल्सो। सो गाइज ये है फ्रंट डैशबोर्ड की लुक। सो कैसा लगा आपको AMIO का ये वेरिएंट ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू।